दो सीटों में अपना नामांकन फिर से दाखिल किया, एक सीट में पहले दाखिल कर चुका हूँ। आज जो विषय है आपके सामने चुनाव के संदर्भ में, जो बेरोजगारी है, जो आपकी शिक्षा के संदर्भ में, चिकित्सा के संदर्भ में, छुट्टा जानवरों के संदर्भ में, और अभी एक आपकी सोशल मीडिया पर तैर रही है एक वो वैक्सीन जिसके संदर्भ में आम आवाम में एक फैसा है, तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं। गरीबी अमीरी का मुद्दा है, जो सोना 38,000 का था आज की तारीख में वो सोना 73,000 का 74,000 का हो गया है। शादियों के साथ अलग अभी थी, आपने देखा होगा कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी को एक सोने का कोई वो नहीं दे पाया, चीज़ नहीं दे पाया। एक अजीब से हालात है, महंगाई अपनी चरम पे है, जिसके चलते आम आवाम पीड़ित है, और कोई ऐसी चीज़ आप नहीं बता सकते जिसके चलते आम आवाम को सुख हो, वो किसी तरह का सुख हो। आज हर चीज़ पे GST लगी हुई है, चाहे वो बच्चे की किताब हो, चाहे वो स्याही हो, चाहे वो पेन हो, कोई एक चीज़ आप बताइए। खाद्यान्न पदार्थ जितने हैं वो सब GST के उसमें दायरे में आ गए। पूरी तरह से आर्थिक शोषण की एक प्रक्रिया चल रही है, जिससे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज ये नहीं, हमारी लड़की घर से निकली थी और कुमारगंज मानीगंज होते हुए, रुदौली होते हुए, ये यहाँ आई है, सोनपुर होते हुए आपके मुख्यालय पर आई। भाजपा के तो आप आवाम की जानकारी में हो गया कि कोविड सेल के बारे में एक जो विधिक प्रक्रिया के तहत एक जानकारी आई है, उसके सापेक्ष एक लोगों में भय का वातावरण है, उसमें जो चंदा लिया गया वो जांच का विषय है, और उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ है और उसकी सत्यता प्रमाणित होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।